हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 105 में पट्टे की परिभाषा दी गई, और वैसे आप देखें तो पट्टे की परिभाषा सेक्शन 2 के साथ में दी गई थी। लीज जिसको बोला जाता है। तो देखिए, पट्टा आप लोग जानते हैं पट्टा क्या होता है। पट्टा ये होता है कि किसी कुछ निश्चित समय के लिए कोई किसी संपत्ति को, खेत को देना एक निश्चित समय के लिए। ठीक, तो स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार ऐसे अंतरण हैं जो अभिव्यक्ति व विविक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के लिए दिया जाता है। ठीक, किसी निश्चित समय के लिए। एक अंतरक पट्टा कर्ता कहलाता है, वह अंतरित पट्टेदार कहलाता है, वह कीमत प्रीमियम कहलाती है, और इस प्रकार का देय या करणीय धन, अंश, सेवा या अन्य वस्तु भाटक कहलाता है। लीज की परिभाषा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2 के साथ में भी दी गई है, जिसमें लीज में ऐसे सभी समवार शामिल हैं जो लीज की जगह किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं। कबूलियत, कृषि कार्य करने का वादा और पट्टा करने के लिए करार सभी पंजीयन के लिए पट्टा ही है। स्टाम्प एक्ट की शेड्यूल 1 में अंडर लीज पट्टा, सब लीज एवं किराए एवं उप किराएदारी के सभी मामले पट्टे में ही आएंगे। स्टाम्प के लिहाज में पट्टा 8 प्रकार के माने गए। सबसे पहला, वही टिकट लगेगा जो बॉन्ड पर है। पहली बात, वही टिकट लगेगा जो कन्वेंस पर लगता है। जब पट्टा 3 साल से अधिक समय के लिए हो, जब पट्टा किसी तय समय के लिए ना हो, जब पट्टा शाश्वत अवधि के लिए हो, जब पट्टा किसी जुर्माना या प्रीमियम या रुपए के एडवांस भुगतान के बदले और कोई रेंट ना लिया गया हो, जब पट्टा जुर्माना या प्रीमियम या रुपए के एडवांस के बदले और रेंट भी लिया गया हो। ठीक, तो ये सब लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में धारा 105 के बारे में जो बताया गया। ठीक, अब देखिए, पट्टा संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जिसमें अवधि, विशिष्ट उद्देश्य एवं भाटक मतलब रेंट की अदायगी महत्वपूर्ण है। संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का अंतरण ऐसे मामलों में कदापि संभव नहीं है। पट्टे की आवश्यकता अन्याय कारणों से हो सकती है, जिनमें कानूनी क्षेत्र पर आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारण भी शामिल होते हैं। पट्टे द्वारा संपत्ति के स्वामित्व के अनेक नगद, कैश, लाभ इस स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, स्वामित्व असली स्वामित्व का ही रहता है तथा उसे संपत्ति की एक नियमित आय प्राप्त होती रहती है। जिस संपत्ति को एक निश्चित समय सीमा के लिए दिया गया है, उससे होने वाले भाटक मतलब रेंट फायदे के लिए। और जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को पट्टे पर देता है, तो उस संपत्ति का जो मालिक है वही असली मालिक होता है। ठीक, अब अचल संपत्ति और चल संपत्ति का भी पट्टा होता है। जैसे ए जो मकान मालिक है, वह अपना मकान बी को 10 वर्ष की अवधि के उपभोग के लिए अंतरित करता है। बी उस मकान के उपभोग में अधिकार के बदले 20,000 रुपये देना स्वीकार करता है, जिसकी आधी रकम अर्थात 10,000 रुपये तुरंत नकद दे देता है और शेष आधी रकम दिवाली के दिन फैसले के रूप में देने का वचन करता है। यहाँ ए द्वारा अपना मकान बी को उपभोग करने के अधिकार के लिए अंतरित करना पट्टा है। अंतरक ए पट्टा करता और अंतरित बी पट्टेदार, और 20,000 रुपये कीमत प्रीमियम है तथा दे धन 10,000 रुपये रेंट है। आंग्ल विधि में पट्टे द्वारा अंतरण की क्रिया डेमाइज कहलाती है, जिनके द्वारा मकान मालिक एवं किराएदार के संबंध स्थापित किया जा सकता है। पट्टे द्वारा दिए जाने के बाद पट्टा कर्ता में अवशिष्ट हित रिवर्सन कहा जाता है। पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पट्टेदारी कहते हैं, मतलब लीज होल्ड कहा जाता है। अब पट्टे की विशेषता क्या है? उपभोग का अधिकार है, 2 भागों में संपत्ति का कानून विभाजन है, हित का अंतरण है, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट के लिए मतलब हित का ही अंतरण होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता। संक्रमणीय एवं दाय योग्य है, अंतरण का स्वतंत्र तरीका है, विक्रय, विनिमय व दान द्वारा पूर्ण हित अंतरण होता है, बंधक व पट्टा सीमित हित दिया जाता है। अब पट्टे के इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पार्टी,
लेजर या पट्टेदार कौन है, ज्वाइंट टेनेंट एंड टेनेंसी का कॉमन, क्या कोई व्यक्ति स्वयं को पट्टा कर सकता है। अब देखिए, कोई क्या कोई व्यक्ति स्वयं को पट्टा कर सकता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1962 के राई बनाम राई नामक मामले में इस प्रश्न में ये विचार किया गया, जिस बात पर बहस की गई, क्या एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को पट्टा देना कानूनन संभव था। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की भारतीय व्यवस्था में भी स्वयं को केवल अंतरण मान रखा गया है। बहुमत ने इस तर्क को खंडन करते हुए इस तथ्य के प्रतिकूल व्यवस्था दी गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुमत के अनुसार स्वयं को पट्टा किए जाने की रीति कॉमन लॉ में नहीं थी, क्योंकि पट्टा पारस्परिक पर आधारित संवाद था, पट्टे की स्थिति या पतन ऐसे करार पर आधारित होगी। ठीक, तो ये था धारा 105 के बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, इच्छा आपकी है। धन्यवाद।